स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर हमारे वो क्वेश्चंस करवा दीजिए जो हमने कल होमवर्क में दिए थे, ये वाले, है ना। तो आज मैंने आपके लिए क्या किया है, एक दो पीडीएफ मैंने आपके डाल दिए हैं आज, ठीक है। मैं आज दो पीडीएफ आपके अभी डाल रहा हूँ, ठीक है, आपके पास आ जाएगी। एक डेसिमल फ्रैक्शन की है जिसमें मैंने और क्वेश्चन ऐड किए हैं आपके लिए, और क्वेश्चन एक तो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन की पीडीएफ डाल दी आपके लिए, और आज की पीडीएफ डाल रहा हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, ठीक है। ये दोनों पीडीएफ मैंने आपके पिन कर दी हैं, आप जाके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, साथ के साथ आज मैं स्क्वायर पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ तो कल के बच्चे को कह रहे होंगे कल के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ऐसा लग रहा है क्या आपको, कल के क्वेश्चन नहीं हुए? ये क्वेश्चन हम सारे करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हम सारे करने वाले हैं, और ये सारे डाउट हैं आपके। अब मेरी बात सुनना चुपचाप, अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग, कोई बात नहीं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं ना, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात सुन लो पहले, ठीक है। बहुत ईजी है और ये डेसिमल फ्रैक्शन के बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी वाले, ठीक है। अच्छा ये बताओ अपना डाउट सेशन कब है, अपना जो डाउट सेशन है वो कब है, जो अपना डाउट सेशन है वो कब है। अब जो डाउट सेशन होगा ना, उस डाउट सेशन में मैं आपके सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ डेसिमल फ्रैक्शन के, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूँ आपके, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं इसमें करवा दूंगा जो भी हैं। तो आज वाली पीडीएफ में से भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लेना, और बाकी के क्वेश्चन हम सारे एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये बात ही बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैं आपको पढ़ाने की इच्छा है मेरी कि मैं आज के दिन आज का टॉपिक ही पढ़ा देता हूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वर्ग और वर्गमूल। तो दोनों चीजों को हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, और उनके फिर आज हम होमवर्क दे दूंगा, उनके होमवर्क कर लेना, ये सारे उसके होमवर्क हैं, ठीक है। चलिए सारे के सारे करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो तुम, चाहे क्लास लंबी करनी पड़े लेकिन करवाना तो पड़ेगा। चलो अब मैं आपको स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ। पहले देखो स्क्वायर को मैंने, सिंगल डिजिट तो आपको सबको आता होगा, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर। सिंगल डिजिट का तो आप जानते ही हो, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो ये आपके क्या है, स्क्वायर ऑफ द नंबर है, ये आपके स्क्वायर है नंबर्स के, ठीक है ना, ठीक है। अब कुछ लोग पढ़ चुके हैं, 30 तक याद है, अब वही वाली बात है, या तो सीख लो या फिर ये बात बोल लो, दो ही चीजें हो सकती हैं। फिर वही वाली बात है ना कि आपको आता है लेकिन कुछ को नहीं आता हो, ठीक है। अब बस बीच में टोका नहीं करते, अगर आपको नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ो अभी यहाँ पे, ठीक है। चलो तो स्क्वायर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये तो सिंगल डिजिट हो गया, सबको पता है। अब एक कैटेगरी मैंने आपके लिए बना रखी थी, टू डिजिट, क्या बना रखी थी, टू डिजिट, ठीक है। टू डिजिट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। टू डिजिट में क्या है भाई, सिंपल सा एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक पे काम करना होता है। आज मान के चलो मैंने आपको कोई टू डिजिट नंबर दे दिया, जस्ट लाइक 23 मैंने आपको दे दिया, अगर 23 का स्क्वायर आपको करना है तो मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ था पहले कि आप दो का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, पहले आप कर लेंगे दो का स्क्वायर, चार आ रहा है, तीन का स्क्वायर आपका नाइन आ रहा है, यही आ रहा है, तीन का स्क्वायर आपका नाइन आ रहा है। अब सात के साथ आपकी एक संख्या है, दो गुणा तीन गुणा दो, ये क्या है, ये हो रहा है 12, और आपको ये एक छोड़कर लिखनी पड़ेगी, यानी कि जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 529। यानी कि आप किसी भी दो दो अंकों की संख्या का निकाल सकते हो, आप किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 74 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे करोगे, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तरफ आप लिख लीजिए 7 चौके 28 दूनी 56, 7 4 28 2 56, यानी कि 56 आपको ऐड करना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और आपको क्या ऐड करना है, 56 ऐड करना है, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 675476। क्लियर, मैं आपसे बोलता हूँ 77 क्या कहते हैं 89 का निकालिए, 89 का स्क्वायर करिए, कैसे करेंगे, अब मुंह जवानी करिए, मुंह से ही करना है आधा काम, तो हर चीज को लिखना नहीं है पेपर में। अगर मान के चलो 89 आ गया तो मैं दिमाग कैसे चलाऊंगा अपना, मैं चलाऊंगा भैया ये सर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 9 8 72 दूनी 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है, यानी कि 144 ऐड करना है। मैं इतना जानता हूँ 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 144 अगर मैं ऐड करूँगा मेरे सामने कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, और ये हो जाएगा कितना, 9 7 9 2 1, कितना हो जाएगा, 7 9 2 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर पा रहे हो,
टू डिजिट के आराम से कर पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी को भी, और यही तो चीजें हैं आपको जो सीखनी है। 56 कहाँ से आया सर, ये 144 कहाँ से आया, 144 कहाँ से आया, ये 12 कहाँ से आया, जिसको ये समझ में नहीं आया कि 56 कहाँ से आया, 144 कहाँ से आया, फिर बताओ ये 56 कहाँ से आया और ये 12 कहाँ से आया, बोलो। अगर 12 अगर समझ में आ गया तो यहाँ क्या समस्या आ रही है फिर, मुझे ये बताओ आप लोग। नींद में है सच में? ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैंने आपके सामने कहा 67 का स्क्वायर मुझे तुरंत निकाल के बताओ, अब इन पे कमांड करना स्टार्ट करो। देखो 67 का स्क्वायर तो मैं जानता हूं सर, ये हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके और भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है तो अब इसको कैसे करोगे, 6 7 42 2 84 क्या ऐड करना है हमें, 84 कहां से आया, 672। ठीक है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, हमें एक छोड़कर 84 ऐड करना है, यानी कि 9, 4 और 4 8 और 8 और 14 44 89, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। अब मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हम सब लोग सर जो डाउट बताने लायक है वही बताएं, नहीं तो लोग, हाँ वही वाली बात है यार। चलो अब मैं आपको सारे स्क्वायर एक बार 50 तक लिखवाना चाहूंगा, मेरे साथ साथ लिखें जिससे कि आपके दिमाग में एक एक चीज सेट हो जाए। ठीक है चलें स्टार्ट करें। 11 का कितना होता है 121, 12 का 144, 13 का कितना होता है 169, 14 का कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225, 16 का कितना होता है 256, 17 का कितना होता है 289, 18 का कितना होता है 324, 19 का कितना होता है 361, 20 का कितना होता है 400। ये आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए जिससे कि आपको आज रिवीजन हो जाए सारा, क्योंकि क्या एग्जाम में कभी भी काम आ जाती हैं चीज़ें और हमारे दिमाग से अगर निकल भी गई होगी तो हम याद कर लेंगे। 21 का कितना होता है 441, 22 का कितना होता है 484, 23 का कितना होता है 529, 24 का कितना होता है 576, 25 का कितना होता है 625, 26 का कितना होता है 676, 27 का कितना होता है 729, 28 का कितना होता है 784, 29 का कितना होता है भैया 841 और 30 का कितना होता है 900। ठीक है 31 का कितना होता है 961। अब यहां से चीजें समझना स्टार्ट करिए, 31 का अपना 961 होता है, 32 का कितना हो जाएगा 1024, 33 का कितना हो जाएगा 1089, 34 का कितना हो जाएगा 1156, 35 का कितना हो जाएगा 1225, 36 का कितना हो जाएगा 1296, 37 का कितना हो जाएगा बताइए, 37 का कितना हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर 1369, और 38 का कितना हो जाएगा, 38 का 1444, ठीक है और 39 का कितना हो जाएगा, ठीक है यहाँ 1521, वेरी गुड, और 40 का कितना हो जाएगा 1600। दिमाग में रखिए कल को काम आ जाए, अगर ये आपको याद है ना तो हम स्क्वायर रूट यूं ही निकाल सकते हैं, भरोसा रखना मेरी बात पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये आपको याद है ना आप स्क्वायर रूट यूं ही निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, बस काम हो जाएगा। 40 तक हो गए, 41 को कैसे याद रखेंगे, 41 होता है 1681, 1764, इसको एक बढ़ाते जाओ, देखो 16 के बाद 17 लिखो, 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इसके बाद 18 लिखो 7 का स्क्वायर, 19 लिखो 6 का स्क्वायर, 20 लिखो 5 का स्क्वायर, 21 लिखो 4 का स्क्वायर, 22 लिखो 3 का स्क्वायर, 23 लिखो 2 का स्क्वायर, 24 लिखो सॉरी है ना 23 लिखो 2 का स्क्वायर, और भैया लास्ट में अपना आ जाएगा कितना कितना हो रहा है ये है ना 2401, 1 का स्क्वायर और 2500, यानी कि ये आपके 50 तक हो गए। ठीक है गाइस आगे हम निकाल लेंगे अपने। ठीक है तो ये एक तरीका है आपको याद करने का, आप इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को। अगर आपको 60 तक याद रखना है तो 60 तक कैसे याद रखोगे बोलो, 60 का कितना हो जाएगा 61 का, 61 का कितना हो जाएगा 2601, 2601 हो गया। ठीक है 62 का कितना हो जाएगा 62 का सॉरी 51 का, ये 51 का है, 52 का कितना हो जाएगा 52 का, तो 52 का देखो कैसे निकाल सकते हैं, 26 को आप 27 लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, बोलो सही है, 26 के बाद 27, देखो 25 तक चली सीरीज, 26 आ गया 27 आ गया, अब 28 का 9, 29 29 16 30 25, अभी तक तो दो दो डिजिट का आ रहा था, अब जो आगे क्या आएगा 31 31 36 32 क्या होगा बोलो, 31 36 अब 32 64 32 49 सॉरी 32 49 33 64, ठीक है 33 64 34
34, आगे बोलो फटाफट से, सारे याद करवा दूंगा, 34, 81, 35, सॉरी 3600, खत्म हो गया ना वो, ना, ना, वो फोर, ये हो गया 59, ये हो गया 59। अब 60 का तो आप जानते ही हो, 60 का कितना हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है। अब आगे बताऊं, आगे आप जानने के लिए तैयार हो, 61 का बोलूं, 61 का कैसे याद करोगे, करोगे। अब 36 के बाद क्या आता है, 36 के बाद क्या आता है, 36 के बाद कौन सा नंबर आता है, 37 आता है, 36 के बाद आपका 37 आता है। अब यहां तक हमने 10 तक का तो स्क्वायर ले लिया था भाई, 100 क्या है, ये 9 का स्क्वायर आ गया, तो ये 100 आ गया 10 का स्क्वायर, अब क्या आएगा 11 का स्क्वायर, है ना, 11 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख दिए, 37 21 ही तो आ रहा है, 37 21 आ रहा है क्या, एक बार आप चेक कर लो, 61 का यही आ रहा है क्या, 61 का यही आ रहा है क्या, निकालो एक बार 61 का क्या आ रहा है, ये बताओ, यही आ रहा है ना, ठीक है 61 का यही आ रहा है। अब स्टार्ट होती है अपनी पिक्चर, अब क्या आएगा, 38 तो एक तरफ आ गया, 12 का क्या होता है 44 का, ठीक है 12 का 44, 39 आ गया, 39 के साथ 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 चला जाएगा 13 का, 13 का कितना आएगा 69, 13 का कितना हो रहा है 69, ठीक है क्लियर है, ठीक है। अब ये मेरा किसका हो रहा है, 61 का, 62 का, 63 का, 64 का क्या हो जाएगा, ये 13 का था 14 का, 14 का कितना होता है 196 का 96, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना आ जाएगा 40, क्लियर है। तो 63 इंटू 63 यही आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है अपन, बढ़िया, 64 इंटू 64 यही आ रहा है, 65 तो अपन निकाल ही सकते हैं, कितना होता है, कितना आ रहा है ये 65, 4125, नहीं नहीं 4225 आएगा। यहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो जाती है अपनी, है ना, यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा है सब कुछ, यहाँ से हमारा क्या होता है एक कैरी आने लग जाती है अपने, ठीक है। अभी आप इसकी टेंशन ना लो, अब यहाँ तक याद कर सकते हो, यहाँ तक मैंने आपको सही से कंसेप्ट बता दिए हैं सारे के सारे, है ना, एक मिनट रुकिएगा। अब हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा मूव हो रहा है। एक मिनट में रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट में रीस्टार्ट कर रहे हैं, है ना, वेट करना। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं, स्क्वायर आपको सारे क्लियर हो गए, स्क्वायर लगभग आपके सारे डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट की, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं वर्गमूल, ये अगर स्क्वायर अगर आता है आपको, हाँ थ्री डिजिट का तो बता देता हूँ आपको, है ना, थ्री डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाले, तो थ्री डिजिट का स्क्वायर की बात करते हैं, देखो स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट, थ्री डिजिट की देखो सबसे खास ट्रिक जो मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लीकेशन वाली है, सबसे खास ट्रिक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ आपको 102 का निकालना है, 102 का निकालोगे तो 102 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, यहां मैं देख रहा हूं कि यहां पर 102 गुणा अगर आप 102 करते हो तो आपको बेस कितना लेना है, बेस आप कितना लोगे बताओ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेस आप कितना लोगे 100, अगर आपका जो बेस है अगर वो आपका 100 है तो यहां से कितना ज्यादा है प्लस 2 और प्लस 2, तो आप क्या करें एक डंडा खींच दें इस तरफ, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है उसका गुणा कर दें और उस तरफ क्या कर दें ऐड कर दें, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इस तरफ ऐड कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, अगर बेस में 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 संख्या वाला 4 आएगा, यानी कि 1 जीरो आ जाएगा आगे, और यहाँ पर जो 2 + 2 = 4 है वो इसमें आप ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा 104, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका 104 0 4 आपका आंसर, आप जाके देख सकते हैं कैलकुलेट करिए, यही आ रहा है, ठीक है। अब आगे हम धीरे धीरे और बड़ी बड़ी संख्या करने वाले हैं, जो आप मन में कहोगे वो वाली संख्या करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे,
अगर मैं आपसे कहूँ दोबारा करने के लिए, तो आप मुझे सभी लोग 104 का स्क्वायर निकाल के बताओ। 104 का स्क्वायर करो, कैसे करेंगे देखो, करेंगे पहले एक एक करके देखो। अब मन में करने की कोशिश करो, इसको मन में करने की कोशिश करो। मैं यहाँ जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हो कि सर यहाँ पर अगर मैं 104 गुना 104 अगर मैं करता हूँ तो प्लस 4 आ रहा है और प्लस 4 आ रहा है, यानी कि 4 चौक 16 एक तरफ आ जाएगा, और 100 मेरा बेस है तो उसमें कितना जोड़ूंगा, 108, तो 108 16 मेरा आंसर आ जाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ कि ये 108 कहाँ से आया, बेस आपने क्या माना है, बेस आपने 100 माना है, 4 और 4 जो ज्यादा है उनका तो गुणा करके यहाँ पर लिख ही दिया आप लोगों ने, अब 4 और 4 को जोड़कर 8 इसमें जोड़ दो बस, तो ये 108 आ जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे कहूँ 112, चलो निकाल के बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, 12 का होता है 144, एक तरफ आ जाएगा 144 और एक तरफ आ जाएगा आपका 124, एक आगे चला जाएगा तो एक कैरी जाएगा ना आगे भाई, क्योंकि हमें यहाँ दो डिजिट चाहिए बस, तो हो जाएगा आपका 125 44। केवल हमें दो डिजिट की आवश्यकता होती है, एक तरफ केवल दो डिजिट चाहिए मेरे को, ज्यादा चाहिए ही नहीं मेरे को। ठीक है, क्योंकि मेरा बेस 100 ही चल रहा है अभी तक। मैं आपसे बात करता हूँ 133 का स्क्वायर कैसे करोगे बताओ। मैं जानता हूं कि 133 है तो यानी कि 33 ऊपर है, 33 और 33 कितना होता है 166, तो एक तरफ आ जाएगा, साइड में 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने आपको कितना होता है, 1089 होता है। यहां पर दो रखूंगा, 10 मेरा कैरी चला जाएगा, 10 कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 176 89। कैलकुलेट करके देख लो, करो कैलकुलेट, यही आ रहा है, आएगा भी यही। आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि भैया, मैंने आपसे कह दिया कि मुझे 172 का निकालो, 172 का स्क्वायर कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। 172 में 72 ऐड करो, पहले 244 आया, 244, और यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि 244 तो आ गया, अब 72 का स्क्वायर तो पता नहीं है, तो हम इसको 200 के बेस से भी कर सकते हैं, इसको हम 200 के बेस से भी कर सकते हैं, 150 के बेस से भी कर सकते हैं, और हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब मैं अगर इसका बेस 200 मान लेता हूं, मान के चलो, क्योंकि 200 के ज्यादा पास है ना, आप ये देखो ना कि किसके ज्यादा पास है, 200 के ज्यादा पास है तो ये 200 से कितना कम है, तो मैंने आपसे कहा कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, ये कितना कम है 200 से, आपने देखा 28 कम है, तो एक तरफ क्या आएगा 28 का स्क्वायर आएगा, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। कोई परेशानी मेरे दोस्तों को, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। 28 और 28 कितने होते हैं, माइनस के 56, बेस में से तो घटाते हैं हम भाई, माइनस अगर मैं 28 माइनस 28 और माइनस 28 को जोड़ूंगा, माइनस 56, इसे बेस में से ही तो घटाऊंगा, तो कितना आ जाएगा 144, लेकिन इसका 2 से भी तो गुणा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा 2 से गुणा बताओ। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 2 मेरा बेस है, 200 में 2 आपका मल्टीपल कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा आपका 288 784। अब यहां मुझे दो ही जीरो, दो ही डिजिट रखने, 7 आगे चला जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 29584। सही आ रहा है क्या, कैलकुलेट करके देखो कैलकुलेटर से, यही आ रहा है। आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, आप एक बच्चा कह रहा था कि सर 676 का निकालो, मैं कहता हूं आप निकालो तो सही, किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का। मैंने लिखा 676 गुणा 676, ये आप बेस क्या मानोगे, आप बेस आप मानो 700, क्यों मानोगे 700, क्योंकि ये 600 के ज्यादा है, 650 के आगे, 700 मान लो। ये कितना कम है भैया, इससे कितना कम है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 एक तरफ, 48 अगर इसमें से आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 652, और 652 में किसका गुणा करोगे, आपके 7 का गुणा करोगे, क्यों करोगे 7 का गुणा, क्योंकि आपने बेस में 700 लिया है इसी वजह से। तो हमने यहाँ गुणा किया तो 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35 और 1 × 36 का 6, यहाँ से लगी 3, 7 × 6 = 42 और 3 = 45 और 576। अब ये 5 आगे चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 45 6976। आप गुणा करके देखो 45 6976, 676 का मात्र आपने 10 से 20 सेकंड में निकाल लिया आराम से, यही आ रहा होगा देख लो। ठीक है, 576 कैसे लिखा, या तुम कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो मुझे समझ में नहीं आता, बार बार मैं 784 कैसे लिखा मैंने बताना फिर, ये कैसे लिखा मैंने, 04 कैसे लिखा मैंने, ये 16 कैसे लिखा मैंने, ये 89 कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा बताओ। जब वो चीज नहीं समझी तो ये कैसे समझ में आ गई, और ये अगर समझ में नहीं आई तो वो चीज क्यों समझ में आ गई, फिर टाइम पे नहीं आते हो एक तो आप, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आता है। 7 का मल्टीपल कैसे, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, यहां पर कोई 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां बेस 100 था, वहां 200 था, यहां 700 है, चलिए
624 का निकालने में क्या जा रहा है, जब ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो ना तो अच्छे अच्छे खासे इंसान को गुस्सा आ जाए, ये कोई डाउट है अब मैं बोलूँ 624 का निकालना है तो क्या है, करके निकाल लो, क्या दिक्कत है इसमें बताओ, निकालो 24 का कितना होता है 576, एक तरफ कर दोगे। अब बेस कितना लिया है आपने, 600 लिया, दिमाग में ले सकते हो इसको, यानी कि 648 का मैं 6 से गुणा कर दूं, तो 6 8 48 कैरी आया 4, 6 4 24 और 4 28 कैरी आया 2, 6 5 36 और 2 38, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 5, मेरा हासिल चला गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा 38 93 76, करके देख लो कैलकुलेटर से कर लो आराम से, डन है, कोई भी 3 डिजिट का कर सकते हो, इवन 4 डिजिट का भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब स्क्वायर रूट पढ़ा देता हूँ, जरूरी टॉपिक है स्क्वायर रूट। देखो बात ऐसी है, स्क्वायर रूट क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, यानी कि आपका वर्गमूल आपको निकालना होता है, यानी कि कोई संख्या आपको दी जाती है वो वर्ग होता है और उसका आपको वर्गमूल निकालना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो मैंने आपका 100 लिख दिया, यानी कि 100 अंदर दो टुकड़ों में टूटेगा, और स्क्वायर रूट का मतलब यही है कि आपके दो हिस्सों में से एक हिस्सा बाहर निकल जाए। जिस तरह मैंने रूट 100 का निकाला है, इस तरह से मैं कहूँ रूट 4 का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 × 2 में टूटता है, और स्क्वायर रूट में से दो में से आपका एक हिस्सा निकलता है जो कि 2 निकल जाएगा। क्लियर है, बफरिंग हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत मेरे को, ठीक है भाई साहब आगे चले। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट की देखो खास चीजें बताने वाला हूँ आपको मैं, खास खास चीजें सारी, ठीक है। अब आप तो ये जानते ही हो सब, आपसे क्या छुपाना, ठीक है, आप तो ये सब जानते ही हो कि एक लॉजिक होता है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो 1 आता है, अगर मैं 4 का निकालता हूँ, क्योंकि 4 का ही तो निकलेगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा भैया, 4 का 2 निकल जाएगा। मैं किसका निकाल सकता हूँ और, 2 1 का निकाल सकता हूँ, 4 का निकाल सकता हूँ, 9 का निकाल सकता हूँ, ठीक है, 9 का निकाल सकता हूँ, 9 का कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हर एक डिजिट का अल्टरनेटिव होता है ना। अब बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें हमेशा किससे रिलेटेड होती हैं, स्क्वायर से रिलेटेड होती हैं, इसी वजह से मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो 1 का स्क्वायर, आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे सिंपल तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये जो निकल कर आया है ये क्या है बताओ, ये जो 4 है, ये 9 है, ये क्या है, ये स्क्वायर ही तो है, ये एक तरीके से आपके स्क्वायर ही तो है, ये भी आपका एक स्क्वायर है, ये 9 भी आपका स्क्वायर है, और मैं आपसे बात कर रहा हूं स्क्वायर रूट की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई संख्या मेरे पास यूनिट डिजिट में आएगी, यानी कि यूनिट डिजिट में आप ये देख लीजिए कि अगर अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो, अगर 1 हो, है ना, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो मेरा आंसर क्या बन सकता है, आंसर का इकाई अंक, आप देख रहे हो आपका जो आंसर आएगा या तो 1 आएगा या फिर आपका 9 आएगा, क्योंकि जो आप रूट लोगे तो वो संख्या या तो 9 बनेगी यूनिट डिजिट में या फिर वो 1 बनेगी। तो 1 की बात करता हूं तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अगर मेरा यूनिट डिजिट, अगर मेरा यूनिट डिजिट स्क्वायर का 4 हो, 4, तो ये 4 कब आ जाएगा, आंसर का 2 होगा या फिर 8 होगा, तभी आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 6 की, अगर मेरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 6 का पॉसिबल है, 6 सिर्फ एक ही दो स्थिति में पॉसिबल है, जब 4 हो और 6 हो, 5 सिर्फ एक ही कंडीशन होती है 5, ठीक है। आगे देखते हैं 1 4 6 5, अब उसके बाद आ जाएगा आपका कितना, कोई और है, सारे हो गए, 9 कब आ रहा है, 9 आपका आ जाएगा 7 पर और किस पर, सॉरी 3 पर और 7 पर। अब देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ, आप हमेशा देख लेना कि अगर आपका कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, उसका जो भी आंसर का यूनिट डिजिट आएगा, 1 और 9 यानी कि 10 हो रहे हैं, 2 और 8 यानी कि 10 हो रहे हैं, 4 और 6 यानी कि 10 हो रहे हैं, 5 तो 5 ही रहेगा, 3 और 7 यानी कि 10 हो रहे हैं, तो सम 7 है। तो इसका एक तरीके से आप इमेज में बना सकते हो कि यार अगर 1 आया तो दूसरा वाला क्या होगा, 9 होगा,
अगर चार आ जा, चार क्वेश्चन में आ जाता है, ये जो है ना, ये वाले ये सारे क्या है, ये क्वेश्चन में आने वाले हैं आपके, यानी कि क्वेश्चन में ये इकाई का अंक आएगा। एक आ सकता है, चार आ सकता है, छह आ सकता है, पांच आ सकता है, नौ आ सकता है। अगर ये आ जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा? बोलो, क्या मैं कह सकता हूं? नहीं, गलत जवाब आप सभी का, नहीं कह सकता। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी संख्या के पीछे मैं, अच्छा चलते फिरते मैं ऐसे कह देता हूं, लो 3, 2, 5, 3, 2, 8 और लो 6, तो क्या ये इस परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? नहीं। ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। आप कहोगे अरे सर 6 तो आ रहा है पीछे तो होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, मैंने पहले ही बोला था आपसे। ठीक है, क्या ठीक है? ठीक है, अब ठीक है ना? चलो, अब मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये यूनिट डिजिट आ जाए तो संख्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कभी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं कह दूं इनके अलावा, इनके अलावा क्या क्या है, 2 आ जाए यूनिट डिजिट, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वह संख्या हमेशा नॉन परफेक्ट होगी? जी हाँ। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है नॉन परफेक्ट पर, उसे देख लेना, वहां पे हर एक चीज एक्सप्लेन मैंने की है आपके सामने कि भाई साहब ऐसा अवश्य नहीं है कि ये अगर यूनिट डिजिट होंगे तो वो परफेक्ट होगा। इसके अलावा ये हमेशा 100% ट्रूथ है कि अगर 2, 3, 7, 8 आ गए ना, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट हमेशा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, फॉर्मूला लिख दे, क्या फॉर्मूला है इसका, कहां है फॉर्मूला इसमें, बताना मेरे को। कुछ भी यार, मतलब चल रहा है, बस बोल रहे हैं, बस फॉर्मूला लिख दो सर, फॉर्मूला। हाँ। चलो, अब चलो मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या बोलो किसका निकाले, मैं अभी नंबर निकाले थे, मैं इनमें से चुन लेता हूँ कोई भी, जैसे कि 4, 5, 6, 9, 7, 6। ठीक है, 4, 5, 6, 9, 7, 6। ठीक है, अब स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो, आप स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप दो दो के पेयर बनाओगे, दो दो के पेयर बना लोगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखा जाए कि बस केवल पीछे वाली संख्याओं का बनाओ दो का, बाकी जो आगे वाली संख्या है तो आप ये कोशिश करो कि ये एक की स्क्वायर के बीच में आ जाए। चलो ये ज्यादा बड़ा हो गया, मैं छोटा ले लेता हूँ, फिर बड़े पे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलो, तो पहले मैं छोटा ले लेता हूँ, जिससे कि क्या कम से कम आप भी डरे नहीं, वरना तो फिर डर लग गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बोल देता हूँ, पहले मुझे बताओ आप 6889 का, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से करेंगे, इसका आंसर दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये स्क्वायर रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो हम दो दो के पेयर बना लें, बना लें, ठीक है, दो दो के पेयर बना लें, बना लें, कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन का इकाई का अंक अगर 9 होता है, क्वेश्चन का इकाई का अंक अगर 9 होता है तो आंसर का इकाई का अंक क्या क्या बन सकता है? अभी मैंने बताया था 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन का इकाई का अंक अगर 9 हो सकता है तो आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर आगे क्या है, जो आगे वाला जो पेयर है उसको नीचे ले आओ, ये देखो कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो मैं ये कह सकता हूं ये 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में है। तो हमेशा आपको पहले वाला लेना है, हमेशा पहले वाला लेना है, 8 और 9 के बीच में है तो 8 लेना है, यानी कि जो आपका उत्तर होगा या तो वो 83 होगा या फिर वो 87 होगा। बात समझ में आ रही है? अब कैसे पता लगाओगे कि कौन सा आंसर है? हमेशा ये देख लो कि जिस संख्या से आप कंपेयर करा रहे हो वो ऊपर वाले के ज्यादा पास है, वो नीचे वाले के ज्यादा पास है। अब बात यही होती है, जिसकी संगत जैसी वैसी उसकी रंगत, यहां पर जो इसके पास है तो इसी के साथ जाएगा ना, दूर रहने वाले साथ थोड़ी रहेंगे कभी। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो छोटा वाला आएगा, यानी कि 83 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आप अलग तरीके से समझिए, ठीक है। हमेशा ऊपर वाला क्यों लेते हैं, फिर वही वाली बात कर दी, मतलब निहायत ही बेवकूफों वाली बातें कर लेते हो यार तुम लोग, कर कैसे लेते हो मुझे समझ में नहीं आता। हमेशा ऊपर वाला क्यों लेंगे भाई, आया है
मुझे समझ में नहीं आता कि कहां से खुद के लॉजिक चल रहे हैं, तभी तो इनकी गलतियां होती हैं, फिर पेपर में गलतियां हो जाती हैं, फिर कहते हैं सर पेपर नहीं निकला हमारा। लो करो 7569 का निकालो, निकालिए जरा, क्या करेंगे क्या कंसेप्ट लगाएंगे आप देखिए। तो मैंने यहां देखा कि यहां पर दो दो के पेयर बना लिए, 9 कब कब आता है, 3 के स्क्वायर पे आ जाएगा और 7 के पे आ जाएगा। अब 75 किस किस के बीच में, 75 जो आगे वाली संख्या है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो हम यहां कह सकते हैं, ठीक है, हम यहां कह सकते हैं आप लोगों से कि ये हो जाएगा आपका किस किस के बीच में है, 8 और 9 के बीच में है ना, 8 का होता है आपका 64, 9 का होता है आपका 81। अब ये 75 जो भाई है वो ऊपर वाले के ज्यादा करीब है या नीचे वाले के ज्यादा करीब है, बताओ, बता भाई दीपक, अब बताओ कि नीचे वाले के ज्यादा करीब है ना, यानी कि बड़ा वाला आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 83 और 87 में से 87 आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है, हमेशा ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा ऊपर वाला लेते हो आप, तो मतलब उसमें भी मतलब ये देख रहे हैं कि मैं ऊपर वाले को प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको, स्क्वायर ये क्लियर हो गया। अब आप बड़ी संख्या का निकालने के लिए तैयार हैं या फिर एक दो क्वेश्चन छोटी संख्याओं की करने हैं, अभी बताओ 8100 का कैसे, अब बताओ किसने पूछा है, उसका नाम लेना चाहूंगा मैं और उसमें लिखवाऊंगा, हाँ वाह 8100 का कैसे, बड़ा टफ हो गया ये, ऐसा लग रहा है मेरे को तो भाई 8100 क्या है, 81 × 100 है ना, 81 का आप निकालोगे क्या होता है, 9 होता है, और 100 का दो पार्ट में डिवाइड है तो इसका 10 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अभी बताएंगे चीजों को यार, आप परेशान मत हुआ करो, स्टूडेंट परेशान ज्यादा रहते हैं और उनका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक दो मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये लीजिए 15129, इसका मुझे निकाल के बताओ क्या होगा, क्या करते हैं, दो का पेयर बना दो, आगे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है। मैंने यहां देखा कि 9 का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है सर बिना किसी दिक्कत के, तो 151 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, 151 किस किस के स्क्वायर के बीच में, आप ये देख लीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, ये 151 इन दोनों के ही बीच में है, ठीक है। अब ये नीचे वाले के ज्यादा पास है ऊपर वाले के, बताओ, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 123 हो सकता है या 127। हमेशा ध्यान रखना कि संख्या तो आगे जो लेनी है वो 12 ही लेनी है लेने को तो, लेकिन इन दोनों में से क्या आंसर होगा कैसे पता चलेगा, आप देखिए ऊपर वाले के ज्यादा पास है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा 123। क्लियर हो गया आपको, सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो आप ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी गुफ्तगु कर लेता हूँ आप लोगों से, थोड़ी सी गुफ्तगु में क्या बात है, अगर दशमलव आ जाए तो क्या करें सर, ठीक है ठीक है, कभी भी इवन नंबर ऑफ जीरोस का, सर है ना, कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होगा, क्यों भाई, देखो मान के चलो मैं 100 लिख देता हूं तो इसका 10 निकल जाएगा, क्या 1000 का परफेक्ट होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं 10000 का तो आप ये कह दोगे सर 4 में से 2, अगर मैं आपके बोल देता हूं 60 तो 6 में से आपके निकल जाएंगे 3, इस तरह से चलता रहता है, यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि और नंबर का तो निकलेगा नहीं, और नंबर का तो परफेक्ट निकलेगा नहीं, लेकिन इवन नंबर का निकल जाता है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे, यहां मैंने बोला आपसे एक इसका स्क्वायर रूट कितना है, यहां अगर 4 छोड़कर पॉइंट है तो स्क्वायर रूट के बाद 2 छोड़कर आएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 1 बस, यहां अगर 6 छोड़कर पॉइंट है तो आपका आंसर में कितना आएगा, 3 छोड़कर आएगा, अगर यहाँ 8 छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में कितना आएगा, 4 छोड़कर आएगा, ये समझ लो, डायरेक्ट समझ लो इन चीजों को, कि यहाँ अगर 9 छोड़कर पॉइंट है तो क्या परफेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, 9 छोड़कर बनेगा ही नहीं, हमेशा इवन पे काम करिए अगर 0 और दशमलव वाला केस आता है तो, है ना। चलिए क्लियर हुआ, चलिए हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 0. ठीक है, देखो अब बच्चे ने क्वेश्चन तो ले लिया,
कि 0.008, यहाँ क्यूब रूट पूछा गया था, बस इतनी सी कमी रह गई थी, है ना। और क्यूब रूट पूछा जाता है तो क्यूब रूट में क्या लेते हैं हम, तीन लेते हैं, तीन यानी कि आठ तो तीन भागों में टूट जाएगा, वो कितना है दो, और जो हजार है वो पॉइंट टू आ जाएगा, पॉइंट टू आ जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट है वो, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, यहां तक आपका कॉमन सेंस क्लियर हो चुका है। अब आपके बढ़िया वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक तो था वो मेथड था, ये तो थी ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये तो थी आपकी ट्रिक। अब आती है असली मेथड की बात, और असली मेथड असली होता है जो कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चंस में काम आता है, असली मेथड। मैंने आपसे बोला कि 19,342 में मैं क्या घटाऊं, ठीक है, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 19,342 में मैं क्या माइनस करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये वाला मेथड, असली मेथड, केवल माइनस और प्लस वाले केस में लगेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में क्या लगेगा, फैक्टर कर देना बस। फैक्टर में देख लेना जोड़े बनने चाहिए, बात समझ में आ रही है, फैक्टर करोगे तो जोड़े बनने चाहिए, ठीक है। अभी ये असली मेथड लगाइए आप लोग जो हम बेसिक से पढ़ रहे थे, तो मैं जिसको नहीं आता वो सामने देख ले, जिसको आता है वो अच्छे से देख लेना। मैं कह सकता हूँ दो का पेयर बनाया, बाकी संख्या को एज इट इज ऐसे रख दिया। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग सब लोग मुझे बताइए कि 193 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 193 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है। तो मैं जानता हूँ आप भी भली भांति जानते हैं, सब 13 ले लो 13, क्योंकि 14 तो 196 चला जाता है, तो 13 देखिए ना भाई, 14 तो चला जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, हमें तो छोटा लेना होता है ना डिवाइड में हमेशा, तो 169 आ गया। पहला स्टेप ये होता है कि आपको नियरेस्ट स्क्वायर देखना होता है, पहला स्टेप, ठीक है। अब माइनस करिए सब लोग, कितना निकल कर आ रहा है, 193 में से अगर 169 अगर जाएंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 24 निकल कर आ रहा है क्या। यहां तक देखना भी मजा आएगा। देखो अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ सेम नंबर वो रखे हैं जिसका स्क्वायर इसके पास में है, वही रखा है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपने लिया है ना ये, उसको आप एक बार और जोड़ दो, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 26 आ गया, 26 आ गया, ठीक है, 26 आ गया। अब यहां पर इसको पूरे को उतारो, एक एक करके नहीं उतरता, पेयरिंग उतरती है। अब आप यहां बताइए मुझे कि मैं 26 के साथ में ऐसा क्या रखूं कि मैं इसके करीब पहुंच जाऊं, 26 के साथ में कौन सा डिजिट यहां रखूं जिससे गुणा करने पर मैं इसके करीब पहुंच जाऊं। तो मुझे आप कॉमन सेंस बताओ, क्या आपको लग रहा है कि यार ये 9 पे हो जाएगा, 10 पे, 9, 8 तक हो जाएगा, 7, ना ये 9 पे ही होगा, मैक्सिमम 9 ही रख सकते हो आप। अब आप 9 का गुणा करके देखोगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 2421, डिफरेंस कितना आ रहा है, 21, यानी कि ये 21 क्या है, इसमें फालतू है, ये 21 क्या है, फालतू है, यानी कि ये रिमाइंडर है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको आप घटा दोगे तो दैट इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, अगर 21 में माइनस कर दूंगा इसमें जो कि फालतू था तभी तो रिमाइंडर आया, अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकल कर आता तो क्या करते, ऐड करना पड़ता, बात समझ लेना। तो यहां रिमाइंडर निकल कर आ रहा है तो ये फालतू, इसको माइनस कर दो उसमें से, यानी कि आपका ये कह सकता हूं कि इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 139 का स्क्वायर, और 21 में से माइनस करके आएगा वो, ठीक है भाई साहब, मजा आया। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आता है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से मैं क्या घटाऊं, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से मैं क्या माइनस करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बताओ। आप भली बात ही जानते हो, ये तो अब सबने तो निकाल लिया, लेकिन इसका लॉजिक से करेंगे, असली मेथड से करो इसको। तो मैंने देखा 9999 है, दो दो के पेयर बना लूंगा, दो दो के पेयर बनाने से काम चल जाएगा अपना। मैंने देखा 99 किसके पास आएगा, 8 9 10, 9 9 के पास आएगा 81, 9 में से एक गए तो 8 18, 9 यहां पर मैं ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 18, ठीक है, 18 आया, ठीक है, ठीक है, 18 आया। अब आप लोग मुझे बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताना मुझे कि यहां मैं ऐसा क्या रखूं कि मैं ये उतारने पर इसके पास पहुंच जाऊं। आप कॉमन सेंस लगाओ, आप 9 ही तो रखोगे यहां पर, वरना काम ही नहीं चलेगा अपना। 9 रखोगे तो यहां 9 आ गया, अब 90, अब इसको गुणा करोगे तो आप कितना निकल कर आ रहा है गुणा करने पर, 9 9 81 और 18 9 144 और 8, है ना, 144 और 8 कितना हो जाएगा, 170। तो यहां से जो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 198। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, क्या आएगा बताओ, 198 माइनस करो इसमें से, तब जाके आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, समझ में आया।
क्लियर हुआ? इसलिए कहता हूँ ये मेथड बहुत इजी है, बस आपको हर एक कंसेप्ट को समझना है, ठीक है? हर एक कंसेप्ट को समझना है आपको। सर 1620 का स्क्वायर रूट भाई निकल सकता है क्या? कुलदीप बताना मेरे को, 1620 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो निकलेगा क्या? ये तो पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट नहीं है तो फिर निकालेंगे कैसे? नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट का निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। नॉन परफेक्ट में तोड़ लो इसको जितना तोड़ सकते हो। मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करूं तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 का 2 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 45 से करूं, 45 से, 45 का कितना हो जाएगा? 9 पड़म 45 तो 3 आ जाएगा, 6, सॉरी 6 रूट 5, 6 रूट 5 आ रहा है, 6 रूट 5। अब 6 रूट 5, अब रूट 5 की वैल्यू रख जानते हो आप लोग, रूट 5 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, बात खत्म। समझ में आ रहा? रूट 5 कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था 2.2 रख लीजिए, वैसे तो याद रखना चाहिए आपको, ये आपका आंसर आ गया। तो कठिन था क्या बताना? अब तोड़ना तो आना चाहिए ना। अब ऑप्शन में ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसे पूछेगा कि 10 पॉइंट तक निकाल के बताओ, कैलकुलेटर थोड़ी दे रखा है हमारे हाथ में उसने, हम तो जितना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं वो लगा देंगे। क्लियर है? चलिए ऐसे तोड़ तोड़ के कर लेना, क्लियर है? रूट के वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। ना ना याद नहीं करना, निकल जाएगा वो तो, निकल जाएगा। मैं आपको तरीका ही बता दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है? प्लस वाली कंडीशन बताऊं इसमें? चलो प्लस वाली कंडीशन देख लेते हैं एक बार, प्लस वाली कंडीशन एक बार देख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, 1 2 3 4 2 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बताओ। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी फिर आज होमवर्क करना आप लोग, ठीक है? बताओ अब 1 4 3 4 2, 1 2 3 4 2 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि बन जाए? सर ये टाइप समझ नहीं आया, नहीं आया तो करो कोशिश समझने की, सिंपल सा एक लॉजिक है, भाग विधि इसको कहते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा था आपसे, दो दो के पेयर बना लो, बना लिया, ये जो बचा हुआ पेयर है इसको एक साथ ले लो। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 123 किसके पास है? 11 11 11 11 121। यहाँ से कितना आया? 2 निकल कर आया, 42 को एज इट इज उतार दो, 11 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। अब यहाँ क्या रखूं कि 242 पहुंच जाए? मुझे एक ही रखना पड़ेगा, दो रखना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर एक रखना पड़ेगा या दो रखना पड़ेगा? 11 और 11 22 हो गया ना, ठीक है? एक रख दू, एक रख दू, एक रखूंगा तो यहाँ कितना आ रहा है? 221 आ रहा है, 221 में से 21। अब आप मुझे बताइए जो मेरा आंसर आ रहा है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर पूछना है मुझे कि मैं ऐसी क्या छोटी से छोटी संख्या ऐड करूं, यानी कि इससे अगला वाला मुझे बनाना है, इससे अगला वाला ऐड करना थोड़ी ना होगा इसमें। 202 का आंसर बिल्कुल सही है कि जो आपका था उस हिसाब से, हाँ 202 ऐड करना पड़ेगा, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इससे अगला वाला हमें निकालना है, यानी कि 2 रखेंगे यहां पर, जिससे कि हम वो निकाल पाए जो हमें माइनस करना है। यहां तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया ना, मैंने क्या बोला था आपसे स्टार्टिंग में, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था कि अगर मैं आपसे बोलूं माइनस करना है तो आपका रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए, वहां पॉजिटिव आ रहे थे, कोई दिक्कत। अब मैंने बोला है कि ऐड करना है तो रिमाइंडर नेगेटिव आना चाहिए, क्या नेगेटिव आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो नेगेटिव नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर 2 रखेंगे, ये 444 में से माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 202। ज्यादा लेना पड़ेगा, समझ में आ गया? यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? परेशान मत हो, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, मैंने जो कंसेप्ट बताया उसको फॉलो करो ना बस। मैंने क्या कहा कि यहां जब हमें नेगेटिव घटाना था तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, तो वही आंसर हो गया। अगर मुझे कुछ जोड़ना है तो हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर लाने की कोशिश करो। अब मैंने जब एक रखा था तो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन हमें तो जोड़ना था सर, तो यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर लाओ। 2 क्यों? 2 इसलिए रखा क्योंकि एक रखने पर तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो आंसर हो जाता कि इसमें से मैं क्या घटाऊं, इसका आंसर क्या हो जाता, इसमें से आप क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या आ जाता, माइनस का, मतलब आंसर 21 आ जाता, क्लियर है ना? इसलिए अब प्लस करते हैं तो 202 करना पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां थे, अब आज आप क्वेश्चन कर लेना, ये सारे क्वेश्चन है, इजी है, देखो पीडीएफ मैंने डाल दिया, जाके देखो, बिना देखे मत बोला करो, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं आज, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।